गेस्ट पोस्टिंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसके अंदर आप उन वेबसाइट्स को बैकलिंक लेके देते हो जो गूगल के अंदर सही तरीके से रैंक नहीं कर पा रही होती, उन वेबसाइट के बैकलिंक लेके देते हो जो गूगल के अंदर ऑलरेडी रैंक होती हैं, ताकि जो वेबसाइट्स गूगल के अंदर रैंक नहीं हैं वो भी रैंकिंग के अंदर आना शुरू हो जाए। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी कमाल की सर्विस है जो आप सेल कर सकते हो, और आप जहां पे 100 बैकलिंक बेच करके रेवेन्यू जनरेट करते हो, वहां पे जस्ट एक बैकलिंक से आप उतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आप ये सर्विस सही तरीके से समझ जाते हैं और इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो बिलीव मी एज अ पार्ट टाइम आप इसमें से बहुत ज़्यादा, यानी कि फुल टाइम आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सर्विस ये है कि आपने बड़ी बड़ी जो साइट्स हैं, टीयर वन साइट्स हैं, लाइक एनवर टाइम्स है, फोर्ब्स है, उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट है, या इसके अलावा जो बड़ी साइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के आथर को फाइंड करना है। आथर को फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि आपने किसी भी आर्टिकल को ओपन करना है, वहाँ पे आथर का नेम लिखा होता है, उस नेम को आपने गूगल के अंदर सर्च करना है, फेसबुक के ऊपर सर्च करना है, लिंक्डइन के ऊपर सर्च करना है, वहाँ से आपने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालनी है और उनको रीच करना है, चाहे वो ईमेल के थ्रू करें, चाहे आप उसको इनबॉक्स में मैसेज करके करें। अगर आप इस तरीके से किसी एक भी आथर को रीच कर पाते हैं और एक भी अपना कनेक्शन बना लेते हैं, लगभग एक महीने में या दो महीने की एफर्ट के बाद आपको एक भी बैकलिंक मिल जाता है, गेस्ट पोस्ट मिल जाती है, तो बिलीव मी आपको एक और दो महीने की जो एफर्ट है उसका रिवार्ड लाखों में मिल सकता है। यानी कि आपको जस्ट और जस्ट किसी एक वेबसाइट से या मल्टीपल वेबसाइट के साथ अपने कनेक्शन बनाने हैं, उनके साथ आपने लिंक होना है किसी भी तरीके से। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं, इसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो भी बनाऊंगा, वो वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप चार मुख्तलिफ तरीक़ों से रीच आउट कर सकते हैं इन वेबसाइट्स को। लाइक एक हारो मेथड है, मैनुअल सर्चिंग का मेथड है, और कंटेंट बेस के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, और हारो जैसी कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जिनको आप रीच कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप इन वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक ले सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्लाइंट के लिए फोर्ब्स के ऊपर, एनवाय टाइम्स के ऊपर एक बैकलिंक ले दिया, तो वो क्लाइंट आपको $1,000 $2,000 भी इजीली पे कर सकता है, आपका सर्विस कमीशन चार्जेस आपको वो पे कर सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि आप इसको पार्ट टाइम स्टार्ट करें और देखें कि इससे आपको कितना रेवेन्यू मिलना शुरू हो सकता है अगर आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसमें जो मेन की एलिमेंट है वो ये है कंसिस्टेंसी। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा फिर भी आपने गिव अप नहीं करना, आपने आथर्स को फाइंड करते रहना है, उनको ईमेल्स करते रहना है, एक ना एक दिन आपको लाजमी इन वेबसाइट्स के साथ अच्छे कनेक्शन के आथर मिल जाएंगे जो आपके हर आर्टिकल को अप्रूव करेंगे और हर आर्टिकल को पोस्ट करेंगे, आपके क्लाइंट को बैकलिंक भी देंगे। तो अगर ये सर्विस आप यूटिलाइज करते हैं तो आप देखिएगा कि कितना आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर इस मेथड के ऊपर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बड़ी साइट्स को रीच आउट कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं हूं कुरम शहजाद, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।